मेरा बेटा आज वाइट रिव्यू करने वाला है कार का। काटो बेटा, चलो काटो। ला देंगे भी है। ठीक है, अब टायर लगाएंगे। देखते हैं। हाँ,
भगवान, ये क्या किया तूने? तो पता भी नहीं चल रहा कहाँ चला गया वो। इसको निकाला मैंने और इधर और ये इसका पीछे का काटा स्टेपनी सेट हो गया। अब चलिए, ये सीट का दो सॉकेट है जो कि आसानी से आपको दिख जाएगा। इसको इसी लगा देने हैं, दो स्क्रू है साइड में तो उसको बाद में कस दिया जाएगा, या सपोर्टिंग गियर ये जो भी रहेगा इसका। तो इसको बैक करके हम लोग पलट के टायर लगाएंगे। मुख्य का सारा काम तो वही है, टायर लगाना। एक है ये लाइट्स, ये पीछे लगेगा। हाँ। देखिए इसे हमने खोल लिया है, इसको लगाते हैं। ये इसमें लग गया, ठीक है। उसमें पे लाइट्स लग जाते हैं, इसमें लग गया। टिक बजाओ, टिक हो गया। अब जो है सो इसमें लाइट्स लाइट्स लगा कुछ लाइट्स। इसे मैंने पलट दिया यहाँ पे। एक तो ये जो मोटर है इसी से ये टायर रोटेट होता है, एक बैटरी है, एक मोटर है। सिंपल सा सिस्टम है, ज़्यादा कुछ आजकल की जो इलेक्ट्रॉनिक कार जो है ना उसमें भी टेक्नोलॉजी यही यूज होता है। और सिस्टम को थोड़ा ज़्यादा ऐसा बनाया जाता है कि बैटरी ज़्यादा देर तक चल सके। चलिए अपने हमने इसे लग दिया है और इसमें अब टायर लगाने की कोशिश हो गई है। एक सेंट निकाला है, कंट्रोल बाय रिमोट एज वेल। इसका ये रिमोट भी दिया गया है, सेम ही रिमोट है पिछला कार का। रिमोट से भी चलेगा ये, तो उसको फिक्स करना है ना। तो अब ये देख रहे हैं कि इसको जो है उसमें लगाना है, तो पहले इसको लगा देते हैं, ठीक है। एक तो बोलता है कुशन को पहले भी लगा दीजिए, एक बाद में भी लगा दीजिए। तो पहले कुशन यहाँ पे दे दीजिए, यहाँ तक ही जाता है, आप देखिए यहाँ तक ही आएगा। तो इसके अंदर फिर इसको लगाना है, तो ऐसे लग गया। उसके बाद यहाँ पे दूसरा कुशन लगाना है। टोटल ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 8 है, तो यानी कि 4 टायर है। तो हर में दो दो आपको कुशन इसको देना पड़ेगा। कुशनिंग करने के बाद इसको यहाँ पे फिट कर दीजिए ऐसे, ठीक है। इसको लगाने के बाद क्या करना है कि इसको निकालना है। इसमें देखिए पिन है, इस पिन को उसके बीच में जो छेद है उसमें डालना पड़ेगा। तो चलिए इसको निकाल लेते हैं जल्दी से। ये देखिए इसको निकाल लिया है, और इसके बीच में जो ये पिन है, ये सारा चीज़ में से कुछ भी भूल गया ना तो काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, ये बात समझ लीजिए आप। इसको इसमें डालना है, हाँ। डालने के बाद इसको सेट करना पड़ेगा। इसको कैसे, इसको खुद से सेट कर देंगे। इसको इसमें डालने के बाद हल्का सा इसको घुमा दीजिए आप, हल्का सा टाइट कर दीजिए इस साइड घुमा के, ताकि लॉक फंस जाए और फिर निकालने में कोई दिक्कत ना। हाथ से ही हो जाता है, इलाज की ज़रूरत भी नहीं है। हल्का सा देखिए, जो सामने निकला था उसको मैंने टिल्ट कर दिया। चलिए अब दूसरा टायर लगाने के लिए चलते हैं। उससे पहले इसमें ये सेट कर देंगे। मैंने पहले आपको ये बताया था कि इसको कैसे लगाना है, लेकिन ये टायर लगाने के बाद कीजिएगा ताकि आसान रहे आपको टायर लगाने में, असुविधा ना हो। ये देखिए
कुछ नहीं करने के लिए ठीक है, दूसरा टायर लगाते हैं। मैंने इसको इसमें डाल दिया और फिर से ये कुशन लगाना पड़ेगा, तो ये कुशन मैंने ऐसे सेट कर दिया। उसके बाद जल्दी से ये वाला लगाना पड़ेगा, इसमें पिन, क्वार्टर पिन। ये पिन को मैं इसमें डाल देता हूँ, इसमें सेट हो गया। इसको थोड़ा मैट साइड से मोड़ देता हूँ ताकि इसमें टायर निकले नहीं। ये देखिए ये रेडी हो गया, टायर तैयार है। अब चलिए जल्दी से जल्दी आगे का टायर भी सेट कर लेते हैं। पहले मैंने इसमें कुशनिंग अंडर डाल दिया है, उसके बाद इसको लगा दिया है मैंने। ये देखिए यहाँ पे हो गया है, फिट है। कुशन डाल और इसके बाद कुशन लगाना पड़ेगा। कुशन लगाने के बाद इसमें इसके छेद में टाई नॉट जैसा जो होता है इसको डालना पड़ेगा, ठीक है। ये देखिए आसानी से लग गया, अब इसको टाइट कर देना है। थोड़ा मुश्किल तो होता है इसको घुमाने में, थोड़ा टाइट होता है, ठीक है, लेकिन काम हो जाएगा। चलिए अब ये इसको ऊपर से इसका इसको इसको फिट कर दूंगा। आखिरी टायर बचा है, ये तीसरा आखिरी टायर, चौथा टायर, इसको भी लगाने का समय आ चुका है। और इसको भी इसमें मैंने डाल दिया, इतने आप यहाँ ये सेट हो जाता है इसमें इसमें जाने के बाद। ये देखिए इसमें सेट हो गया। अब इसमें मैं आखिरी वाला ये भी फिट कर दिया हूँ, और इसके साथ मुझे आखिरी नेक टाई मिल चुका है। इसको मैं इसमें डाल देता हूँ। ये देखिए, और ये भी जो है मतलब आखिरी टायर है, ये हो गया। ये भी रेडी हो गया, और इसका कवर आ गया है। इसका कवर समझिए कि आप जो व्हील ओरिजिनल व्हील होता है जैसे लगता है ना, वैसा ही पकड़ लीजिए आप। ये हो गया, गुड टू गो हो गया है। इसको सीधा करना पड़ेगा। बेटा बेटा थोड़ा गाड़ी स्टार्ट करने से पहले आखिरी कुछ चीजों को करने का समय है। ये देखिए बहुत आसानी से इसमें फिट हो गया है, और इसमें नट बोल्ट सेट हो जाएगा। और इसमें मैंने डाल दिया, जाने रहा इसमें। थोड़ा फोर्स लगाना पड़ा इसको, इसके यहाँ तक पहुँचाने में थोड़ा फोर्स लगाना पड़ा। फोर्स लगाने के बाद ये हल्का आवाज़ आएगा, उसके बाद ही बिल्कुल इसमें फिट हो जाएगा। देखिए बिल्कुल टाइट हो गया।
कमांडर कहा जाता है, आप लोग बोलते हैं मीडिया में, बिल्कुल वैसा टाइट हो गया है। हल्का कट से आगे ये दो मिरर यहाँ पे लगा दिया है और पीछे ये कमांडर लाइट वाला जो जिप्सी में होता है उसको यहाँ पे लगा दिया। आवाज करता है क्या? एक साइड से गुजरा पहले आवाज नहीं करा लेकिन टाइट हो गया। और ये दो लाइट लगेगा कहाँ पे? ये लगेगा शायद यहाँ पे, यहाँ पे देखिए, ये फिक्स हो गया। हर चीज में आवाज करेगा कटा, और सुनिए कि आपका जो है सो सेट हुआ है। ठीक है, ये देखिए, ये देखा आपने, ये आवाज नहीं किया इसको, थोड़ा आवाज करा देता है, टूट जाए, ये फिट हो गया। तो मेरा बेटा गाड़ी बेटरी हो गया, देखो इधर। तो ये गाड़ी में जितना एक्सपीरियंस था सारा कुछ लग गया है, उसके अलावा एक ये बल्ब एक्स्ट्रा बचा और एक नट बोल्ट जो कि एक्स्ट्रा दिया ही गया है, क्योंकि गाड़ी में इसके अलावा कहीं भी लगाने में कोई प्रोविजन नहीं है। तो मुझे लगता है गाड़ी गुड टू गो है। अब हम इसे चार्ज करते हैं और देखते हैं, स्टार्ट करते हैं, बेटा स्टार्ट होता है, इसको चार्ज करना पड़ेगा। तो इसका चार्जिंग पॉइंट थोड़ा अल्टर जगह में है, आप देख पा रहे हैं, चार्जिंग पॉइंट यहाँ है, इसको 8 घंटे चार्ज करना है। तो चलिए इसको मैंने लगा दिया है और इसको चार्जिंग पॉइंट में लगा दिया जाए 8 घंटे के लिए। ये लग गया, ये चालू हो गया यहाँ पे। ठीक है, कोई इंडिकेटर जलना चाहिए था लेकिन अभी तक तो कुछ जला नहीं। इंडिकेटर गाड़ी चार्ज हो रही है, हमें शुरू हो गई है। यहाँ पे लिखा हुआ है LED है, ये ग्रीन है, मतलब चार्ज हो रही है। अब हम लोग इसके रेट होने तक का इंतजार करना पड़ेगा, जो 8 घंटे का समय लगेगा। तो गाड़ी रेट तो स्टार्ट है, अब मैं इसे चला करके दिखाऊंगा 8 घंटे के बाद। तो और ये गाड़ी स्टार्ट हो चुका है 8 घंटे रिचार्ज होने के बाद। चला के दिखा दो बेटा, बैक भी कर लेता है तुम तो, वाओ। ओ अच्छा, आ रहा है चलाने में, मज़ा आ रहा है चलाने में, अच्छा लग रहा है गाड़ी। तो मेरे साथ ये आपने इतना समय दिया, इसके लिए बहुत 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 शुक्रिया। और आपने कोई वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। थैंक यू वेरी मच।